रोड के किनारे लगे इन बिजली के खंभों की मदद से ही गांव-गांव और शहर-शहर बिजली पहुंचाई जाती है। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से जाने अनजाने इंसान और साथ ही साथ जानवर भी इन खंभों के करंट की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। मध्य प्रदेश के एक छात्र लोकेश पाटीदार का ध्यान भी इस समस्या की तरफ गया और उसने एक ऐसे अनोखे खंभे का इनोवेशन कर डाला जो इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। देखिए विज्ञान भी बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। लोकेश मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव अगर मालवा के रहने वाले हैं। उन्हें शुरू से ही विज्ञान और नवाचारों में रुचि है। ऐसे में उन्हें इंस्पायर अवार्ड्स मानक के बारे में पता चला। लोकेश को लगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से कुछ कर दिखाने का ये सुनहरा मौका है। इस अवार्ड के लिए बस अब उन्हें एक आइडिया की जरूरत थी। इसी दौरान उन्होंने एक वायरल वीडियो देखा जिसमें बरसात के बाद इलेक्ट्रिकल पोल से बहते करंट से तीन बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। इस वीडियो को देखकर उन्हें काफी दुख हुआ, लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक आइडिया भी आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर उस खंभे में कुछ ऐसा होता जिससे कि करंट का बहना रुक जाता और बच्चों को भी पता चल जाता कि उस खंभे में करंट है, तो तीनों बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। हमारे कमला सागर स्कूल के अटल टिंकलिंग रेप के इंचार्ज हमारे सेलेन कसेरा सर को मैंने इसके बारे में बताया, तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा हो तो सकता है। तो हमने पहले सोचा, उस पर विचार किया और फिर मतलब छोटा काम किया, जैसे इलेक्ट्रिक मतलब एक सर्किट बनाने की, जैसे बल्ब से हम इसको पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल में करंट आया तो बल्ब जल जाएगा। ऐसा पता चला कि मतलब बल्ब का मतलब उसमें करंट आएगा तो वो इस उसका वोल्टेज इतना रहेगा कि वो बल्ब सबको मतलब जला देगा। तो ऐसे कर करके हमने पहले टेस्ट किया, तो कई टेस्टर भी हमने जला दिए, मतलब ऐसा उसको ट्राई किया। तो ऐसे करके सर हमने सर दोनों ने मिलके इसको तैयार किया। लोगों को करंट से बचाने के लिए लोकेश ने एक ऐसा खंभा बना डाला जो करंट रोधी था। दिखने में ये नवाचार सामान्य इलेक्ट्रिक पोल जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें लोकेश ने कुछ ऐसी खूबियां समाहित की थी जिससे लोग करंट से बच सकते थे। और अगर किसी वजह से खंभे में करंट आ भी जाए तो करंट खंभे से लीक नहीं हो सकता था। इसी के साथ ये खंभा करंट के लीक होने की लिखित चेतावनी भी देता है। आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। लो मेल्टिंग पॉइंट का फ्यूज वायर जैसा सिस्टम लगाया जिसमें हमने एक वायर न्यूट्रल से निकाल के लाए हैं और एक फेस से निकाल के लाए हैं। उन दोनों के बीच में एक लो मेल्टिंग पॉइंट का फ्यूज वायर लगाया है। उसके नीचे हमने एक नोटिस बोर्ड को इस तरह से लगाया है कि नोटिस बोर्ड का जो हुक है वो फ्यूज़ वायर में फंसा रहे। अब यदि इलेक्ट्रिक पोल में करंट आए तो इलेक्ट्रिक करंट उन वायरों के जरिए फ्यूज़ वायर में फैल जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण फ्यूज़ वायर जल जाएगा और उसके जल जाने से नोटिस बोर्ड खुल के नीचे आ जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि इस इलेक्ट्रिक पोल में करंट फैल चुका है। लोकेश ने अपने इस नवाचार को सेफ इलेक्ट्रिक पोल का नाम दिया है। जब लोकेश को इस खंभे को बनाने का आइडिया आ गया तो उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। लोकेश के इस नवाचार को बनाने में उनके शिक्षक शैलेंद्र कसेरा ने काफी मदद की। उन्होंने न केवल लोकेश को नवाचार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया बल्कि इसे पूरा करने में उनका साथ भी दिया। लोकेश में सामने ये प्रॉब्लम लेकर आया तो मैंने पाया कि ये जो समस्या है इस पर अभी तक किसी ने काम नहीं किया है। हमने कुछ इंजीनियर से डिस्कशन किया तो उन्होंने बताया कि आप कुछ भी कर लो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैंने लोकेश से एक ही बात बोली कि देखो हम इंजीनियर नहीं हैं, यानी कि हम टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हैं और ये हमारी कमजोरी नहीं, ये हमारी ताकत है, क्योंकि हम वो चीज़ें सोच सकते हैं जो इंजीनियर नहीं सोच सकता। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोल की जो प्रॉब्लम थी सॉल्व करने के लिए हमने जो भी टेक्निक यूज़ किए वो 10th क्लास लेवल की है, जिस पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल काम कर रहा है
और जिस तरह से हमने करंट को रोका है वो एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक को हमने यूज़ करा है। तो हमने यही समझा है कि जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर हम यूज़ करें तो हम हर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेफ इलेक्ट्रिक पोल की खामियां और उसके बारे में रिसर्च के लिए शैलेंद्र और उनके शिक्षक विद्युत विभाग भी गए, जहां उन्होंने मॉडल में सुधार लाने के लिए आवश्यक जानकारियां जुटाई। यहां उन्होंने खंभे में प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक और फायदों के बारे में समझा। मेरे को जैसा ये बताया गया सेफ इलेक्ट्रिक पोल के बारे में, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे ने इसके इतने अच्छी तरीके से बनाया, मतलब बिल्कुल कन्वेंशनली बनाया, बिल्कुल कोई भी ना कॉस्टिंग इसकी कम है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्विचेस कोई भी लगा सकता था, पर उसकी कॉस्टिंग इतनी आ जाती कि जो हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, पर इन्होंने जो यूज़ किया अपना पैटर्न उसकी कॉस्टिंग इतनी कम कर दी है ताकि ये इजीली यूजेबल हो सकता है और लॉट्स ऑफ लाइफ्स को बचा सकता है, जो आपकी कॉस्टिंग के सामने कुछ भी नहीं रहती है। मतलब इन्होंने बहुत एक इनोवेशन जो किया इन्होंने अभी, वो लाइफ लॉन्ग मतलब लोग याद रखेंगे इसको। लोकेश को सेफ इलेक्ट्रिक पोल के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को मिलने पर उनका परिवार बेहद खुश है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पढ़ाई लिखाई में लीन रहने वाला लोकेश कुछ नवाचार बनाने का कारनामा भी कर सकता है, लेकिन जब उन्हें लोकेश ने अपने नवाचार के बारे में बताया तो उन्हें काफी हैरानी हुई, पर उन्होंने लोकेश को नवाचार बनाने में काफी सहयोग किया। लोकेश के परिजन इस नवाचार का श्रेय लोकेश की मेहनत और उनके शिक्षक को देते हैं। पहले भी है, कभी कभी छोटा मोटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक तत्वा जो रहता था सामान, उसको तोड़ता था, सही करता था, तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि चलो ये करेगा कुछ, इसके लिए हमने भी अनुमति दे दी इनको। सेफ इलेक्ट्रिक पोल से करंट लगने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा, खासकर बरसात के मौसम में इस तरह की दुर्घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं, जिसकी चपेट में अक्सर लोग और बेजुबान जानवर आ जाते हैं। उम्मीद है कि भविष्य में लोकेश का ये नवाचार आपको और हमको हर गली चौराहे पर दिखाई देगा। लोकेश के इस सेफ इलेक्ट्रिक पोल में ऐसी कई विशेषताएं हैं जिनसे किसी भी आपातकालीन स्थिति में इलेक्ट्रिक पोल से आने वाले करंट से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ये नवाचार इंसानों के साथ साथ मवेशियों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दिलचस्प नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।